भारत की विभिन्न सभ्यता हमारे देश की खूबसूरती को बखूबी बयान करती है। हालांकि हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है, पर आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे स्मारक मौजूद हैं, जिन्हें देखा जाना चाहिए। वहीं देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगल कालीन सभ्यता द्वारा बनवाई गई कई इमारतें स्मारक के मकबरे आज भी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला कलाओं का नमूना है। इन इमारतों में सबसे मशहूर और खूबसूरत ताजमहल है। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ये स्मारक अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाई थी। सफेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनने में लगभग 22 साल लगे थे। कहा जाता है कि संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ताजमहल में बंद 22 कमरों का मामला उठा था, जिसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। पर क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे की कहानी के बारे में पता है? अगर नहीं, आइए जानते। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में किया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ था। बता दें कि यह मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ जगह पर फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। आपने यकीनन ताजमहल को कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कई सालों से बंद है। जी हाँ, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया है। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद है और इन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था। वहीं कई इतिहासकार कहते हैं कि 1934 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए ही खोला गया है। ताजमहल की कई पहली मंजिल पर भी कई कमरे बनाए गए हैं, लेकिन इस ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद है। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है। इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार ये दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये मार्बल्स को पाउडर बना देता है। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रखरखाव के लिए खोला जाता है। इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की थी, जहां आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया था। साथ ही एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर यह भी कहा था कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाजत मांगी थी कि वे ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले, जिससे ये मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं।